लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कोई भी आपको मारने की कोशिश क्यों करेगा? यही बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही। मैं तो एक मामूली बिजनेसमैन हूं। क्या बिजनेस है आपका? एक्सपोर्ट इंपोर्ट। काफी पैसा होगा इस बिजनेस में? बस खाना पीना निकल जाता है। आई एम श्योर इससे कई ज्यादा मिलता है। आप शर्मा को कब से जानते हैं? कौन शर्मा? आर के शर्मा। आप ही के बिजनेस में है? ऑक्ट्रॉय एजेंट। मलिक उसे नहीं जानता, मैं एक दो बार मिला। आप कौन है? मेरा नाम विलास पंडित है। करता क्या है? मलिक का काम देखता हूं। और तू है वो जिसने इनकी जान बचाई? क्यों? क्यों मतलब? नाम क्या है? चंदू। पूरा? चंद्रकांत नागरे। इन लोगों के साथ कब से काम कर रहा है? अभी अभी। मैं तुमसे पूछा? जिससे भी पूछेंगे जवाब तो वही मिलेगा। फिल्म लाइन में आपका क्या इंटरेस्ट है? बस पार्टी वार्टी पे कुछ लोग मिल जाते हैं। चलो इसी बहाने हम भी मिल गए। नाइस मीटिंग। बस इसी बात की खेद है कि हम अब तक आपका शूटर को पकड़ नहीं सके। कोई बात नहीं, आपकी मेहनत तो नजर आ ही रही है। मेहनत कैसी, आप ही के लिए तो हम यहाँ बैठे हैं। तो हम चले? प्लीज। Send him in. यादव, मैंने पता कर लिया है, वो सूरती का कबूतर है। सूरती? ये सूरती साला इतना ऊंचा कब से उड़ने लगा? वही तो हम भी सोच रहे हैं। चलो उधर आके बात करते हैं। अभी भी यकीन नहीं होता कि सूरती में इतनी हिम्मत कहां से आ गई। सूरती और उसके अगले पिछलों को इस तरह खत्म करवाओ कि 8-10 साल तक हर कोई हिम्मत से डरे। एक जीजा है उसका, बैंगलोर में, नाम याद नहीं आ रहा, और हैदराबाद में शायद उसका एक भाई है। हाँ शंभू, मैं विलास पंडित। हैदराबाद में सूरती का एक भाई है ना? अच्छा, मामा का लड़का है। और नागपुर में भी उसका कोई। धक्का काय को दे रहा है? मेरे को मालूम है तूने ही गोली चलाई। मेरे को ये भी मालूम है वो लोग तेरे को क्यों पहचाने नहीं। अरे साहब, मैं कुछ किया होता तो वो लोग मेरे को पहचानता क्यों नहीं? आप बिना फालतू बोलो। क्योंकि उनको फिर बहुत से सवाल का जवाब देना पड़ता। समझता हूं, प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। अब मेरे को बता क्या हो रहा है, तब तक तेरे को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बहुत हो गया ना आपका, मेरे को मालूम है। कानून में पुलिस किसी को बिना सबूत के अंदर नहीं रख सकती। कौन बताया तेरे को? पुलिस हमेशा कानून के अंदर काम करती है। मैं नहीं झेल सकता इतना दर्द, पर तेरे को तो आदत है शायद। मैं सच बोलू तेरे को, बोलने को तो ये लोग मेरा अंडर है, पर कभी कभी मेरे को भी इनसे डर लगता है। पर क्या करे, नौकरी रखना है तो करना है। इनको भी मेरे को, तू तो समझता है, तेरे को भी तो नौकरी है तेरा गैंग में। तू सोच रहा है हमारे सामने कुछ बोल दिया तो तेरा नौकरी छूट जाएगा, मगर वो तो वैसे भी रहेगा नहीं। क्या है समझो, तू रात भर दर्द बर्दाश्त करता रहा और मुंह बंद रखा, वैसा हो तो नहीं सकता। पर फिर भी समझो, तू कैसा भी दर्द को बर्दाश्त कर लिया, तेरे भेजे में गोली उतार देंगे।
क्या है इन लोग सुबह तक तेरा जो हालत करेंगे उसका बात तेरे को बाहर तो भेज नहीं सकता ना, क्योंकि तू इन पर केस कर देगा। देख मैं सोच रहा तू मेरे को बस उतना बोल दे ये सबका पीछे कौन है। भाई साहब एक बार हफ्ता वसूली के लिए गए थे। क्या हुआ? मैंने पहले नहीं कहा, उस दिन मुहूर्त में तुमने मलिक के लिए जो किया। अरे उसमें क्या है, मैं नहीं तो कोई और, मतलब जब मैं कह रही हूँ तो सुन। क्या बात हो रही है? मलिक उस दिन चंदू नहीं होता तो जज्बाती मत बन। जज्बाती नहीं, सच है ना? सच है ना? सच है ना? थैंक यू बॉस। अरे क्या मलिक भाई आप भी, अरे हाथ दे रहे हैं तो ले लेना यार। हेलो, हैदराबाद से राजू का फोन था, सुरती गया और उसका भाई 4:30 बजे तक वो भी मर जाएगा। हट साला, इसी के साथ समाचार खलास। समाचार तो पहले भी खलास समझे थे, इसीलिए तो स्टूडियो में हमला हुआ ना। अपने धंधे में कभी कुछ खलास नहीं होता है, बस जान खलास होती है। जिसकी नजर गेम से हटी समझो वो गेम से हट गया। मलिक फिर धंधे की बात मत करो। अरे चंदू तूने मलिक को बताया कि नहीं? नहीं वो क्या हुआ, शादी कर रहा है ये। शादी? साले क्या बताया नहीं? नहीं बोले वाला था लेकिन वो सब लफड़ा हो गया ना बीच में तो। ए जोसेफ शैंपेन लेके आ। आपका हाथ इसके सिर पर है तभी ये इतनी तरक्की कर पा रहा है। किसी के सर पे किसी का हाथ नहीं होता, जो जिस लायक होता है ले जाता है। फिर भी डिब्बे में से घी अपने आप तो नहीं निकलता ना माँ। चंदू? नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। मतलब मैं खराब हूँ? क्या मालिक भाई आप भी। तेरी बातें करते कितना शर्मा रहा था। देखना चाहिए था। मालूम है ऐसा ही शर्माता है, बात भी नहीं करता ढंग से। एक, एक, एक। आपके इस एक की वजह से जो पहले दो पड़े हैं उनकी कीमत भी कम हो जाएगी। समझने की कोशिश भी मत कीजिए। नहीं मैं 17 का। शादी कब है? 2 दिसंबर। कारगिल आ रहे। Don't worry, it is our duty to maintain peace. I have already spoken to the Home Secretary, Mr. Khatre, and he is going to clear the paperwork in a day or two. Yes? Sir, वो आ गया सर। Okay. You don't worry. Thank you. I'll take care of it. Thank you. Okay.